जब मुझे पता चला कि मेरे पापा का लिवर ख़राब हो चुका है, तो मैं बहुत दुखी था और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहने लगा था। मुझे किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। फिर ये इतना बड़ा स्टेप मैंने इसलिए उठाया क्योंकि मैं अपने फादर को इतनी तकलीफ़ में नहीं देख पा रहा था, और मैं नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ और आगे तकलीफ़ें बढ़ती जाएं। ଏଭଳି ଦମ୍ଭର ସହିତ କହିପାରୁଥିବା ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରର 20 ବର୍ଷର ଯୁବକ ମାନ୍ୟା ହସିଜା। ମାନ୍ୟା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ଅସୀମ ସାହସ ଆଉ ତ୍ୟାଗର ବିରଳ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଲଟିଛି। ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ନିଜ ବାପା ଆଉ 6 ମାସ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଲିଭର ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଥିଲା। ଆଖି ଆଗରେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କାରେ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ଥରି ଉଠିଥିଲେ ପରିବାର। ଅଙ୍ଗୁଳି ଧରି ପାଟ ଚଲାଇ ଶିଖାଇଥିବା ଲୋକଟି କଷ୍ଟ ପାଇବା ଦେଖି ସହିପାରିନଥିଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ମାନ୍ୟା। ଲିଭର ଦାନ କରି ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା। जैसे कि अब ऑर्गन जो डोनर जो होता है उसकी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन्स होते हैं, बहुत काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। जितने भी हमारे अंग ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, सारे टेस्ट होते हैं। तो उस टाइम पे जब पता चला कि हम तीनों ने ही टेस्ट कराए थे, मेरी मेरी माँ, मेरे भाई और मैंने, तो उसमें पता चला कि मम्मी का थोड़ा बेटर निकल रहा है लिवर, तो उन्हीं के साथ हम आगे बढ़े। लेकिन फिर बाद में उनका लिवर जो डॉक्टर ने देख के बोला कि उनका लिवर छोटा है, और मेरे भाई को भी देख के बोला कि उनके उनके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस समय मैं बहुत डर गया क्योंकि मैं चाहता था कि हम तीनों में से किसी ना एक एक का तो मैच करे, और मेरे को डर लग रहा था कि मेरा कहीं मेरा भी मैच ना किया तो फिर पापा को कैसे कैसे बचा पाएंगे हम सब। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे पापा का मेरा मेरा लिवर पूरा अच्छे से उनके साथ बॉडी के साथ मैच कर गया। ମାନ୍ୟାଙ୍କ ଲିଭର ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ପରେ ଉଭୟ ବାପ ପୁଅ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ମାନ୍ୟା ଫଟୋଗ୍ରାଫିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ ମେଡିକାଲରେ ଉଠାଇଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫଟୋ। ସବୁ ଫଟୋରେ ଉଭୟ ଖୁବ୍ ହସୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବା ପରେ ମାନ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିଲେ ଲିଭର ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ସଫଳ ହେବ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଯେଉଁ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଥିଲା ସେଠାକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଖୁସି। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲି ବୋଲି ମାନ୍ୟା କହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ଦୀପକ ହସିଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ମୋର ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ହୋଇଗଲା ପ୍ରେରଣା। और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, लिवर ट्रांसप्लांट। वो मेरा लिवर ट्रांसप्लांट होगा। तब हम लोग, वो जो क्षण था बहुत दुखदायी क्षण था, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उस समय। हम लोग पूरी फैमिली के अंदर सबने, मेरे बड़े बेटे ने, मेरी वाइफ ने, मेरे छोटे बेटे ने, सबने टेस्ट कराए। तो फाइनली जो मैचिंग हुई वो मान्य की हुई, और मान्य ने मेरे को लिवर दिया। ମାନ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସଭିଏ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ହେବ ତ ଏମିତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।